अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, या कन आब्दु या कन नस्तईन। अपनी लाला रुख, मेरा नया चैनल लॉन्च हो रहा है और चूंकि मैंने इसका नाम अपनी लाला रुख इसलिए रखा है कि आप लोग सब जब फ़ोन करते हैं और फ़ोन की घंटी बजती है तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई मेरा बहुत करीबी जानने वाला, कोई बहुत अच्छा सा बच्चा, बहन, भाई, दोस्त और ख़ास तौर से वो तमाम लोग जो मुझे अम्मा कह के कॉल करते हैं, अम्मा जी। एक्चुअली मैं पंजाब से नहीं हूँ तो मुझे ये लफ्ज़ बहुत अजीब सा लगता है कि मुझे कोई अम्मा कहता है। अब बहरहाल आप लोग इज़्ज़त देना चाहते हैं और मैं इस इज़्ज़त को सलाम करती हूँ। प्लीज़, मेरा पुराना चैनल लाला रुख ऑफिशियल हमने ख़त्म कर दिया है, उस पर ना आप लोगों ने कॉल करनी है, ना उस पर आप लोगों ने जाना है, ना आपने उसको सब्सक्राइब करना है। ये मेरा चैनल है, अब इसका लिंक मैं आप सबको भेज दूँगी और अपने स्टेटस पर भी डाल दूँगी। कोशिश कर रहे हैं कि इस चैनल से आपको देखें, जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है वो तो 50 आ जाते हैं यूट्यूबर्स मेरे इंटरव्यूज़ करने के लिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरे चैनल से हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम इस पे बात करेंगे घर के मसले मसाइल की, जो हमें पूरी दुनिया से कॉल्स आती हैं, बच्चों को सही तायुन करने की कि उनका उन्होंने कहाँ जाना है, उनका फ्यूचर क्या कैसे है। बहुत सी गलतियाँ हम बहुत से लोग करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास मुकम्मल नॉलेज नहीं होता, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, हमारे पास हमें पता नहीं होता। मैंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती जो की वो ये की कि मैंने एक मंजिल की तरफ कदम नहीं उठाए, मैंने बार बार बदलती रही कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। उसमें क्या हुआ कि नॉलेज तो मेरे पास बहुत आ गया हर तरह की चीज़ के बारे में, लेकिन मैं कहीं पर भी टॉप पर नहीं पहुँच सकी। इसलिए कि हर फील्ड में बहुत से नॉलेज रखने वाले लोग होते हैं, बहुत से जानने वाले, पहचानने वाले, समझने वाले। बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों की प्रमोशन मैंने देखी है 20-20 साल में, इसलिए होती है कि वो एक जगह पे बैठे हुए होते हैं, ठीक है ना, और इत्तेफाकन एक ने छोड़ा वो ऊपर गए, दूसरे ने छोड़ा वो ऊपर गए, तीसरे ने छोड़ा, इस तरह 10-20 साल में आखिर वो टॉप पर आ गए। कोई सलाहियत नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, मगर सिर्फ वक्त और हालात में एक जगह कदम जमा के जमे बैठने की वजह से वो ऊपर आ जाते हैं। सो हर इंसान का अपना किबला है, हर इंसान का अपना तायुन है, हर इंसान की अपनी सोच है, लिमिटेशंस हैं, और ये सब चीज़ों को हम समझने के लिए YouTube को इस्तेमाल करते हैं, नॉलेज को, लोगों को फॉलो करते हैं जिनकी बातें हमें अच्छी लगती हैं ताकि हमें थोड़ी सी समझ आ जाए। मैं अपने इस चैनल से आपको टोटके भी बताऊंगी, सेहत के बारे में भी बताऊंगी, तस्वीर भी दूंगी जो आपके घर के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होंगी। प्लीज़ मेरे सारे वीडियोस आखिर तक देखें क्योंकि ये तोहफ़ा मैं एंड में दूंगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि सबको अच्छी बातें पता लगें। वादे तो हर एक बहुत से करता है, वादों पर पूरा कौन उतरता है। मुझे दिन के बहुत सी कॉल्स आती हैं और उसमें सबसे पहला जुमला ये होता है कि हमें आप बहुत सच्ची लगी हैं, अल्लाह मेरे सच को कायम रखे, मेरी ज़ुबान में आप लोगों के लिए सिर्फ अच्छी बातें हों, अच्छी चीज़ें हों और मैं आपकी मदद सही तरीके से कर सकूं। एक बात की बहुत माजरत पहले से चाहती हूं कि प्लीज़ आप लोग मुझे इस तरह के कामों के लिए फ़ोन ना करें जो नाजायज़ हैं, यानी जुआ, जना, मोहब्बत और इश्क, जिसमें कि आप सिर्फ उसको हासिल करना चाहते हैं, आपका शादी मकसद नहीं है। इन कामों के लिए अल्लाह से दुआ करना, नमाज़ें पढ़ना और तस्बीहां करना की इजाज़त नहीं है नाजायज़ रिश्तों में, ठीक है। मैं कोई बहुत नेकोकार नहीं हूँ, मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, ये सब तमाम गुनाह मैं खुद भी कर चुकी हूँ और इसीलिए मैं आप सबकी ये तड़प और चाहत समझ सकती हूँ, लेकिन इसके लिए अल्लाह ताला के बार बार जाके रिक्वेस्ट करनी कोई ख़ास अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप मुझे कॉल करके कहेंगे जी हमें नंबर बता दें, मैं हांगकांग में हूँ, मुझे नंबर बता दें जी, मैं जुआ खेलूँ, या आप मुझे कहेंगे जी मैं बिटकॉइन करता हूँ, मुझे बता दें कौन सी करेंसी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ये भी जुआ है। जहाँ आपने फ़ैसले करने हैं अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन, बाहर जाना है, शादी कहाँ करनी है, ज़मीन कहाँ ख़रीदनी है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, या आप किसी मुश्किल में फंसे हुए हैं, वहाँ आपकी मदद के लिए मैं अपनी लाला रुख आपके लिए हाज़िर है। मेरी फ़ीस भी है, प्लीज़ कोई चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती और जो मुफ्त में मिलती है हमें उसकी कदर नहीं है। छोटी सी बात यहाँ करूँगी, अल्लाह ताला ने हमें ये पूरा जिस्म सर से लेके पाँव तक मुफ्त में दिया है, आपने किसकी कदर की है। सूरह रहमान सुना करें सुबह, और उसमें ये जुमला बार बार लिखा हुआ है कि और तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे।
हमने कौन सी नेमत का शुक्र अदा किया अल्लाह से? किसी का भी नहीं। जब हमें कोई तकलीफ़ होती है तब हम रियलाइज़ करते हैं, ओ माई गॉड, दांत में इतना दर्द, अल्लाह 60 साल से दांत ठीक चल रहे थे, हमें पता ही चला, कान में तकलीफ, अल्लाह शुगर हो गई, ओ ये बीमारी हो गई, सर में दर्द हो रहा है। तमाम नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं, लेकिन हम शुक्र अदा करने वाले कम ही हैं। और ये बहुत सी सूरतों में इसका जिक्र है कि और तुम कम ही शुक्र अदा करते हुए इंसान। हम कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के ज़रिए आपको गाइड करें, मदद करें, हेल्प करें, और जहाँ आपका कोई रुका हुआ काम है उसको हम धक्का स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपके साथ रहूँगी, कोशिश होगी कि रोज़ एक दो वीडियोस आपके के लिए अपलोड होती रहें। डिफरेंट आप लोग कमेंट्स में लिखें कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ के बारे में आपको आगाही चाहिए, किस चीज़ के बारे में आपको तस्वीर चाहिए, मैं आपको हाजिर कर दी जाएगी। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। प्लीज़ 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 शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को विद इन 3 मंथ्स वहाँ तक ले जाएं कि मैं अपने पाँव पे खुद खड़ी हो जाऊँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।